कांग्रेस प्रेसिडियम अध्यक्ष मंडल और देश के कोने कोने से आए हुए इस तीन दिवसीय पड़ाव में भाग लेने के लिए जो हमारे सारे देश से मजदूर साथी दिल्ली के दिल पर कुछ धड़कन पैदा करने के लिए आज यहाँ आए हैं, उन तमाम साथियों का मैं हिंद मजदूर सभा ऑल इंडिया लेवल फेडरेशन और नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की ओर से बहुत ही क्रांतिकारी अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों, बहुत दिनों बाद आज ये सैलाब यहाँ पर है। तमाम बाधाओं के बावजूद यह जंतर मंतर पर, चूंकि पार्लियामेंट के नजदीक है, यहां पर वातावरण बड़ा शुद्ध रहना चाहिए, इसलिए रोक लगाई गई कि जो लोग नजदीक बैठते हैं, आवाज देते हैं, यहां नहीं देने पाए। मैं दिल्ली के पुलिस प्रशासन को फिर भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के भावनाओं को देखते हुए पार्लियामेंट स्ट्रीट पर यह मजाहरा करने की इजाजत दी। मित्रों, जिन सवालों को लेकर के हमारे तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ ही इकट्ठा हुए हैं यहां पर, उन 12 सूत्री मांगों के बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। आप तमाम साथियों को उसके बारे में मालूम है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हम लोग देश के 32 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें रेल कर्मचारी भी हैं। लेकिन सरकार जब अपने कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है, वादा करके बदल जाते हैं। हम लोगों ने पिछली 11 जुलाई को हड़ताल का फैसला किया। इस सरकार के 4 बड़े मंत्रियों ने प्रधानमंत्री जी के कहने पर निगोशिएशन किया और कहा कि निश्चित तौर पर आपके इस मांग पत्र के ऊपर हम कुछ न कुछ फैसला करने का काम करेंगे, कमेटियां बनाने का काम करेंगे। हमें बहुत अफसोस है कि जो समय सीमा थी उसको भी ध्यान में नहीं रखा गया, और जहां पर हम लोग चाहते थे कि इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन हो अलाउंसेस का, उसको तुरंत इंप्लीमेंट नहीं करके 1 साल के बाद इंप्लीमेंट करने का काम किया, एरियर भी लेने का काम किया। तो आज इस सातवें वेतन आयोग से कोई भी व्यक्ति जो सर्विस में खुश नहीं, कोई भी व्यक्ति खुश नहीं, एक थोड़ा सा पेंशनर्स खुश थे ये सोच करके कि हमको शायद ORP मिल जाएगा। उनके लिए एक नई कमेटी बना करके उनके प्रस्ताव को भी बदलने का काम किया सातवें वेतन आयोग के। अभी नई पेंशन स्कीम का सवाल है, उस पर भी कमेटी बैठाने का काम हुआ। कमेटी की रिपोर्ट भारत सरकार को कितना पहले सौंप दी गई, अब उस कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए कमेटी बैठा दी गई। हमारी मांग है 26,000 की मिनिमम वेज बढ़ना चाहिए, फिटमेंट फार्मूला बढ़ना चाहिए। जब भी हम आंदोलन की बात करते हैं, इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे आंदोलन के गुब्बारे की हवा को निकालने का काम करते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे एक साथी प्रयास कर रहे हैं, तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो प्रयास कर रहे हैं,
लेकिन यह सरकार एक धीरे से हवा निकालने का काम कर रही है। अभी पहली जनवरी 2018 से आपको 21,000 रुपए मिल जाएगा, आपको 21,000 रुपए मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला। यह आपको धोखा देने के लिए हो रहा। 2.57 के बजाय आपका फिटमेंट फार्मूला 3 हो जाएगा, नहीं मिलने वाला। आप लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, निश्चित तौर पर मिलेगा। अगर नहीं लड़ेंगे, नहीं होने वाला। हमें खुशी है कि हमारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ने हम लोगों को भी शामिल किया और हम लोगों ने बात कही है कि सवाल खाली हमारे भत्तों का नहीं है, सवाल हमारे मिनिमम वेज का नहीं है, सवाल हमारी वर्किंग कंडीशंस का नहीं है, सवाल हमारी लिविंग कंडीशंस का नहीं है। आज सवाल सबसे बड़ा है कि भारत सरकार के जो संस्थान है वो भारत सरकार के रहेंगे या नहीं। भारतीय रेल इस देश का एक सबसे बड़ा उद्योग है, मैं समझता हूं, जो सरकारी क्षेत्र में है। वैकेंसीज खाली है, नहीं भर रहे वाला का सवाल है। लेकिन आज प्रयास है सरकार का केन केन प्रकार रेलवे को निजी हाथों में सौंपने का काम किया जाए। 35 साल की लीज के आदेश आज तक थे, उनको चेंज करके 99 ईयर्स करने का काम किया गया। अभी प्रयास है भारत सरकार का, अभी आदेश कर दिए हैं कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं रहेगा। कारखानों पर खतरा है, प्रोडक्शन यूनिट्स के निगमीकरण की बात चल रही है, और जो हमारी पटरियां हैं उन पर टाटा बिरला अडानी अंबानी की गाड़ियां चलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो निजीकरण का दौर है, तो ये मैं नहीं समझता हूं कोई वर्किंग क्लास इसको बर्दाश्त करेगा। एक तरफ लोगों को नौकरी नहीं, दूसरी तरफ जो नौकरियां हैं उनको छीनने का प्रयास। तो मित्रों, ये चलने वाला नहीं। हमने सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथियों को भरोसा दिया है, नेशनल काउंसिल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की तरफ से दिया है, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की ओर से दिया है, उनसे कहा है ये कोर्ट बन रहे हैं ताकि यूनियन रजिस्टर नहीं हो सके, ये कोर्ट बन रहे हैं कि आप हड़ताल नहीं कर सके, ये कोर्ट बन रहे हैं ताकि आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपना नेता नहीं चुन सके, ये कोर्ट बन रहे हैं सिर्फ पूंजीपतियों और कारपोरेट को मदद करने के लिए, कोई श्रमिकों के हित में नहीं बन रहे। इन तमाम सवालों को लेकर के आप सब इस जंग में उतरने का काम किए हैं। आपने जो इस जंग में उतरने का काम किया है, मैं आप तमाम साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और आपसे यह निर्णय करना चाहता हूं। अभी हमारे AIDF के साथी 24 दिन धरना दे करके यहां पर गए, 24 डेज उनके कारखानों का प्राइवेटाइजेशन, रेलवे के प्रोडक्शन यूनिट्स का प्राइवेटाइजेशन, कारखाने और प्रिंटिंग प्रेस का प्राइवेटाइजेशन, सारे देश में पोस्टल सर्विसेज का पोस्ट प्राइवेटाइजेशन। तो ये निजीकरण की लड़ाई, ये वेज कोड, ये कोड बना करके जो है वो मजदूर अधिकारों को छीनने की लड़ाई, अगर ये लड़ाई इस तरीके से चली तो हमने भरोसा दिया अपने साथियों को और कहा है कि मित्रों, आप 3 दिन के इस प्रभाव पर रहिए, हम लोग शाना बशाना हो करके आपसे कंधे से कंधा मिला करके इस जंतर मंतर पर, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर संसद को दस्तक देने के लिए आपके साथ यहां खड़े हैं। और हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं, मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट, बहुत समय नहीं है, मैं आपसे यह भी भरोसा देना चाहता हूं कि अगर यह सरकार नहीं माने तो आप अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला करिए। लाखों लाख रेल कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर शामिल होगा, यह मैं आपको वायदा करना चाहता हूं, आपके साथ कहना चाहता हूं। अब की बार देश बंद होगा तो रेल भी
नहीं बंद होगी। ये बात साफ तौर पर समझ लेना चाहिए, ये बात हम लोग साफ तौर पर कहना चाहते हैं। अकेले नहीं होंगे आप, रेल आपके साथ होगी, रेल कर्मचारी आपके साथ होंगे, ये मैं भरोसा देना चाहता हूँ आपको अपने संगठन की ओर से। मित्रों मैं अभी एक ही बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि वसूलों पर अगर चोट आए तो टकराना जरूरी है। वसूलों पर अगर चोट आए तो टकराना जरूरी है। हम जिंदा हैं तो हमें जिंदा नजर आना जरूरी है। एक दिन कदमों के नीचे आसमान आ जाएगा, और तुम अगर आवाज दो तो इनकलाब आ जाएगा, तुम अगर आवाज दो तो इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद।